दोस्तों, आपने ये कभी सुना है कि किसी को ज़मीन के अंदर दफनाने के बजाय पेड़ के अंदर दफना दिया गया हो? अगर दोस्तों आपने ऐसा कुछ नहीं सुना तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही चौंकाने वाली डिस्कवरीज के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में सुनकर आप पक्का ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि ओ माई गॉड, ये कैसे हो सकता है। द ट्री कॉर्पस। दोस्तों, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए या फिर आप किसी भी धर्म के इंसान से क्यों ना पूछ लीजिए, सभी आपको एक ही जवाब देंगे कि मृत्यु के बाद या तो शरीर को दफना दिया जाता है या फिर जला दिया जाता है। लेकिन अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर कोई भी दंग रह सकता है, क्योंकि दोस्तों आज से करीब 2200 साल पहले एक महिला की मृत्यु हुई जिसका शरीर कहीं और नहीं बल्कि एक पेड़ के अंदर मिला। जी हाँ दोस्तों, आज से करीब 2200 साल पहले उस मरी हुई महिला का शरीर 2017 में एक पेड़ के अंदर मिला, जिसके साथ ही उसने कई सारे कीमती गहने भी पहन रखे थे, जिसे देखने से ऐसा लग रहा था कि महिला काफी ज्यादा धनी थी। उसके साथ ही दोस्तों, जब महिला के कंकाल की फॉरेंसिक जांच की गई तो पता चला उसकी मौत बहुत ज्यादा मीठा खाने के वजह से हुई। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आज से करीब 2200 साल पहले कोई महिला मीठा खाने के वजह से मर गई और उसे पेड़ के अंदर दफना दिया गया, ये किसी अजूबे से कम नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही बातें चौंकाने वाली है। इसका अभी तक वैज्ञानिकों को कुछ पता नहीं चला। वैसे आपको पुराने जमाने के लोगों का इस तरह महिलाओं को पेड़ में दफनाने का आइडिया कैसा लगा, हमें कमेंट्स में बताना ना भूलें। अगर दुनिया में किसी से सबसे बोरिंग काम के बारे में पूछा जाए तो हम शर्त लगा सकते हैं कि आधे से ज्यादा लोग आर्कियोलॉजिस्ट के काम को बोरिंग कहेंगे, जहां अधिकतर लोगों को लगता है कि इस काम में कोई भी फन और एडवेंचर नहीं है। इनका पूरा दिन तो पत्थरों के ऊपर से धूल हटाने में ही निकल जाता है। पर वास्तविक में ऐसा नहीं है, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट की जिंदगी केवल धूल मिट्टी हटाने में ही नहीं निकलती, बल्कि कई बार इनके साथ कुछ ऐसी नायाब चीजें लग जाती हैं जिसे देखने के बाद खुद आर्कियोलॉजिस्ट के भी होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, 19वीं शताब्दी के अंत में एक साइंटिफिक आर्कियोलॉजिकल एक्सपेडिशन के दौरान जब जमीन में खुदाई की गई तो उनके हाथ में एक ऐसी चीज लगी जिसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा था, और वो चीज कुछ और नहीं बल्कि कई सारे इंसानी कंकाल थे। पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो ये थी कि जितने भी कंकाल मिले उनमें से सबकी लंबाई बहुत ही ज्यादा थी, और सिर्फ लंबाई ही नहीं बल्कि उनका पूरा का पूरा शरीर भी एक विशाल दानव के जैसा था, जिसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। हालांकि ये फिर भी ठीक है, लेकिन रिसर्चर का दिमाग तब घूमा जब उनमें से कुछ के सर पर हॉर्न यानी सिंग बने हुए थे। हालांकि वैज्ञानिकों ने इनके सिर के बारे में जानने की बहुत कोशिश की, आखिर इन सिंग के पीछे का क्या राज है, लेकिन इस बारे में रिसर्च करते करते वैज्ञानिकों के बाल सफेद हो गए, पर अभी तक उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। दोस्तों, अगर हम दुनिया के सबसे पहले मोबाइल फोन की बात करें तो उसे 3 अप्रैल 1973 में इन्वेंट किया गया। पर अगर हम आपको ये कहें कि आर्कियोलॉजिस्ट को 19वीं शताब्दी का नहीं बल्कि आज से करीब 2800 साल पुराना मोबाइल फोन मिला है तो आप क्या कहेंगे? अब इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, पर यही सच है। असल में ऑस्ट्रेलिया के एक टाउन में जब खुदाई हो रही थी तभी अचानक से ये डिवाइस आर्कियोलॉजिस्ट के हाथ लगा, जो देखने में बिल्कुल नोकिया मोबाइल फोन जैसा है। पर जब इस डिवाइस पर रिसर्च की गई तो ये पता चला कि आज से 2800 साल से भी ये पुराना है, और इसके आसपास जो सॉइल कंपोनेंट्स मिले उससे ये पता चला कि ये मोबाइल फोन मेसोपोटामिया का है, ना कि ऑस्ट्रेलिया का। अब ये चीज सुनने के बाद हर कोई हैरत में पड़ गया कि जिस मोबाइल फोन को बनाने में हम इंसानों को इतने साल लग गए वो आज से भला हजारों साल पहले कैसे मौजूद हो सकता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट्स में बताना ना भूलें, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।